नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ फिर एक नई रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ हरे प्याज के पकौड़े। हरे प्याज का सीजन चल रहा है तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, मैंने ये आधा किलो हरा प्याज लिया है। इसको मैंने रात में अच्छे से धुल के और हमने इस तरीके से इसको काट लिया है। आप चाहे तो थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ पे महीन काटा है। यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। आप चाहे तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं। बेसन ना इस्तेमाल करके चावल के आटे की भी ये बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है। स्वाद में विशेष फर्क नहीं पड़ता है और बहुत अच्छी और कुरकुरी बनती है। यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ हमने अदरक ले लिया है थोड़ा, और कटी हुई हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी ये दो ही तीन चीज़ों से बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पर स्वाद के अनुसार हमने नमक लिया है। और जब तक हम मसाले डाल रहे हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ लाल मिर्च, और यहाँ पर जीरा, और ये अजवाइन। बहुत कम सामान इसमें पड़ता है और बहुत ही लाजवाब ये पकौड़े बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। मार्केट में इस टाइम हरे प्याज बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। हमें पहले इन्हें अच्छे से मिला लेना है। पानी हमें बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। देखिए, इस तरीके से हमें हाथ की सहायता से इसको मसल लेना है, जिससे हमारे ये जो साग है प्याज का, ये अच्छे से इसमें बेसन में मिल जाए। यहाँ पर देखिए, पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। पानी मेरा 1.5 कप लगा है। नाप से बोलूँ तो 150 ग्राम के आसपास पानी लगा है। पानी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने बहुत पतला डो इसका नहीं लगाया था, अच्छा खासा बेटर था इसका। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, कोई इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने डाल दिया था। आपके पास होए तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने देखिए, पूरा मेरा 1.5 कप पानी लगा है और मैंने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है कटोरे में, क्योंकि वो बहुत बड़ा परात लग रहा था। यहाँ पर हमारा तेल देखिए गर्म हो रहा है। आप अपने हिसाब की छोटी बड़ी जैसे भी पकौड़ी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, जैसा आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का बनाया था, ना छोटा था ना बड़ा था। देखिए, इस तरीके से मैंने बनाया है। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस तरीके से देखिए, मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। और कमेंट करके बताइएगा हरे प्याज के पकोड़े आपको कैसे लगते हैं और किस किस ने बनाए हैं इस सीज़न में। ये सीज़न का पहला प्याज का पकोड़ा है हमारा, हरे प्याज का। अभी मैंने इस सीज़न में नहीं बनाया था। ये देखिए, इस तरीके से हमने जब नीचे से गोल्डन हो गए तो हमने प्याज के पकोड़ों को उलट पलट कर लिया है। हमारे यहाँ हरे प्याज को सागा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग तो कहते हैं सागा का पकौड़ा। तो इस तरीके से देखिए कितनी जल्दी हमारे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। ये देखिए, पकौड़े हमारे बन गए हैं। आइए आप भी हमारे साथ खाइए गर्मा गर्म पकौड़े। ये शाम की चाय के लिए बहुत अच्छे पकौड़े हैं। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।